हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल तो आप लोगों ने देखा कि गधी की वीडियो आ गई है सबसे पहले दो चार झूठ इसके बोलते हैं कि कैसे बोल रही थी कि मेरी वीडियो कॉल पे बात हुई थी भाई से बुलाया था तब मैं गई थी अभी तक ये बोल रही थी वहां मेरी किसी से बात नहीं होती है पापा से बात नहीं होती है हाँ भाई से बात नहीं होती, बात नहीं होती कोई मेरा फोन नहीं उठाता तो वीडियो कॉल पे भाई से बात कैसे हो गई भाई ने इसकी जो रिकॉर्डिंग लगाई सबसे पहले बात तो सबसे पहले इसने यही झूठ बोला कि भाई ने बुलाया था वहां पे चली गई थी फिर भाई ने इसकी रिकॉर्डिंग लगाई जिसमें किरण भी इसकी पोल खोलते हुए मिली जबकि ये किरण 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 के साथ गई थी वहां पे झूठ बोलती है भी ये पोल खोलती है मिली कि बच्चे को ही खाला खिलाती है ना नहलाती है तो हम आपको बताएं बच्चा खाता है ऐसा नहीं है कि नहीं खाता लेकिन रेडी टू ईट जो होता है ना उस पर निर्भर है या तो फल फ्रूट्स पर जिंदा रखती है या तो बाहर का लाके खिला देती है उसकी किस्मत ही खराब है कि ऐसी मां मिली है दूसरी चीज और झूठ बोलने की तो हद आप लोग जानते ही हैं वहां पहुंच गई तो मटकते हुए किरण के साथ और फिर वहां बैठ के भाई को देख लिया उसके बाद कहीं चलो कुछ खा लेते हैं वहां जाके समोसा खाने लगी पता ही नहीं था कि भाई आके इतना तमाशा हो जाएगा गार्ड वार्ड सब बुला लेंगे तो आपको बता दे कल आ, अंकुर की गधी की लाइव में अंकुर की जो है आ, कमेंट्स आ रहे थे निधि की लाइव पे तो उसके बाद जो है वो कमेंट्स लेके हौज खास में ये हुआ हौज खास में वो हुआ पांच लड़कों के साथ क्या हुआ था पुलिस क्यों बुलानी पड़ी थी इसके बाद जो है निधि ने आज उस वो खुलासा क्या करे पहले ही आज आ जा गई वीडियो लेके तो सबसे पहले हम आप आपको बता दें वीडियो पे इसने जो है अपने सारे झूठ का जो रात भर इसने कहानी बनाई है उसने सुबह उठ के बता दी सबसे पहले इसने ये झूठ बोला कि वीडियो कॉल पे मेरी बात हुई थी भाई से और उसने मुझे बुलाया था तो अभी तक तो ये बता रही थी कि वहां से कोई अपडेट नहीं है वहां से बात नहीं होती कोई मेरा फोन नहीं उठाता है कोई मेरा ये नहीं करता है तो फिर जब ऐसा कुछ है तो वीडियो कॉल पे बात किसने कराई और कैसे हो गई अच्छा फिर ये पहुंची वहां पे और वहां पे पहुंचने के बाद इसने भाई से को देखा होगा और वहां से बाहर निकल के ये कहीं जाए और खाए ना ऐसा हो ही नहीं सकता इसको दिख गया उनके समोसे तल के उतरते हुए और ये जाके वहां पे बैठ के ठूसने पहुंच गई समोसे अब जब वहां पे ठूसने पहुंच गई तो इसके भाई ने इसको देख लिया एक नंबर की झूठी ये एक नंबर का मक्कार वो अब उसने वहां पे तांडव करना शुरू कर दिया उसके बाद इसने जो दो लाइव की थी पहली लाइव इसमें कमेंट आ रहा था रिम्बल मेहता का आ रहा था कि तुमने अंकुर को मारपीट के वहां से आई हो और हौस खास वाले दिन पांच आदमी क्या हुआ था बताती नहीं हो अपना बताओ और क्या कहा था हाँ तुम्हारा खुलासा करेंगे ये सब चीजें बोली थी अब ये जो है उसकी वजह से सुबह सुबह फिर से लाइव आ गई दूसरी लाइव जब ये आई तब उसमें किसी ने इसके जान पहचान का कमेंट किया था कि हाँ नोएडा में ये ये करती थी वो करती थी धन ये सब करती थी ये चीजें बोली गई अब जो है ये लाइव पे लाइव आने लगी और वीडियो पे वीडियो छापने लगी कि पांच आदमी और गर्स हौस पास ज, आ, क्या है हौस खास जो जगह है वहां पे क्या हुआ था अब इसने स्टेज इस पे अपनी वीडियो बनाई अच्छा फिर किरण को लेके ये हॉस्पिटल गई थी Uh, अब तो कोई और बच्चा नहीं है इसका दोस्त या कोई जान पहचान का तो अब किरण ही है कि अंकुर ने जो रिकॉर्डिंग लगाई थी उसमें किरण भी इसकी पोल खोल रही थी कि ना बच्चे को खाना खिलाती है ना नहलाती है अच्छा हम भी आप भी देखते हैं बच्चे को खाना नहीं खिलाती बच्चा खाता है सब कुछ खाता है कमी नहीं है लेकिन वो रेडी टू ईट वाले खाने खाते हैं या तो फल फ्रूट्स पे रहता है या तो बाहर से लाके खिला देती है ये बच्चा बीमार था उसको लेके गई थी और वहां पर जाके जब ये फिर बताई कि इंटरव्यू के लिए गए तो हम अपने फ्रेंड्स के रूम में गए थे और फ्रेंड्स के साथ गए जैसे हम लोग कभी कभी फ्रेंड्स के साथ गए नहीं है हम लोग फ्रेंड्स के साथ जाते हैं तो फ्रेंड्स के साथ ही जाते हैं तो फ्रेंड्स के साथ ही चले आते हैं ये रूम पे गई इसकी चलिए आदत मानते हैं ये इसकी आदत है जैसे छुट्टी की भी गई थी तो वहां पे भी ऐसी खुद चला के कमरे में चली गई थी तो यहाँ पे भी चली गई हो लेकिन ये झूठ बोल रही है जहां पांच लड़के चार लड़के मौजूद हो वहां ये इतरा इतरा के खूब अपना वो दिखाएगी जलवे कि वहां जाके पीछे कमरे में जाके बैठ जाएगी अच्छा फ्रेंड्स इनको बिना बताए चली गई अगर आप लोग किसी फ्रेंड्स के साथ जाते हैं कहीं तो फ्रेंड्स के साथ ही वापस आते हैं आपको बिना बताए चुपचाप फ्रेंड्स वहां से निकल ले तो बात तो कुछ और रही होगी फ्रेंड्स देख के खिसक ली होंगी उसके बाद उन उसमें से एक फ्रेंड का जो लड़का लड़का उचारते थे उनमें से एक का नियत इनके ऊपर खराब हो जाता है और उस नियत के खराब होने में सिर्फ किस कर रहा था किस करने के लिए कह रहा था चाकू निकाल लिया था उसपे मतलब समझ लीजिए आप तो ये कितनी दूध की धुली हुई है जो सारा दिन आदमी को ढूला करती है सारा दिन पति ढूढ़ा करती है हस्बैंड हस्बैंड जी हस्बन जी जी पति पति आदमी 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 जुबिन जी को अननोन किसी जुबिन मतलब सिंगर उनको जाके ये आई लव यू आई लव यू बोलने लगती है पीछे पड़ जाती है तो वो फिर कितनी दूध की धुली होगी अब आप समझ लीजिए कि अपने मतलब कितनी दूध की धुली होगी आप लोग समझ लीजिए कि अपने उससे ये आ, सिर्फ किस किया होगा यह किया होगा वो किया होगा अपने मुंह से यह बखान कर रही है क्या आप में से कोई ऐसी लड़की है जो इस तरह का बखान अपने मुंह से करे एक तो शरीफ घर की लड़कियां करती नहीं है यह कैसा कांड करती नहीं है और अगर करती हैं तो गलती किसी से पता नहीं हमें तो नहीं पता हमारे हमने अपने आस भी नहीं देखा इस तरह की गलती करते हुए लेकिन इसकी तो भाई महायाद और कैसे इतरा इतरा के बता रही थी ही वो सिर्फ किसी गालों में सिर्फ उसने किस किया था और मेरे बॉडी में कहीं भी टच नहीं किया था इसकी बातें सुन लीजिएगा अच्छे ढंग की औरतों की बातें भी इसके जैसी नहीं होती हैं जो ये बात कर रही थी और कैसे इतना इतना कही मुझे बस यहाँ पे किसी किया था और कुछ नहीं किया था और मेरे बॉडी में कहीं नहीं छुआ था ही ही ही। इसकी है से इच्छा कर रही थी कि ऐसे ले और गस के दस्था पर इसके मुंह पे धर दे इसके भाई से किसी ने पूछा कि तुम लाइव ऑन करके क्यों जाते हो उसके घर तो इसके भाई ने कहा कि भैया मैं लाइव ऑन करके ही जाऊंगा कौन आर का केस अपने मतलब लेगा ये आर, आप लोग तो जानते ही हैं कि ये कैसी है कितो के ऊपर तुमने आर का केस किया हुआ है कितो से पैसे हेठे हैं जरा ये भी बताना अपनी वीडियो पे भैया इन लोग से घटिया ना औरत होगी ना इनके जिनसे घटिया कोई परिवार होगा अच्छा फिर आ, बता रही थी कि फालतू का लोग मेरे लिए वीडियो बना मतलब बता देते हैं और ये बता देते फालतू का नहीं बनाते तू बताती है तेरे अपने कर्म अपने मुंह से बताती है तेरे भाई पोल खुलते हैं तब लोग बताते हैं उसके बाद ये कैसे झूठ बोल रही थी कि दो में मैं अः पच्चीस साल की थी हाँ और अब ये इकतीस ही साल की है तो आप लोग ये बताइए चौंतीस पैंतीस साल की औरत जो है वो पैंतीस छत्तीस की करीब और वो ये कहती हो कि इस तरह की बातें करती हो तो आप क्या कहेंगे वो भी बीटेक पास आप लोग में से कोई है बीटेक पास जो इस तरह की बातें करता हो हमको तो बीटेक वालों से भी डर लगने लगा है बच्चे मेरे बीटेक करे तो हमको तो यही पता नहीं क्या इनका बीटेक भगवान बीटेक से भी डर लगने लगा है इसकी वीडियोस देख के बहुत ही गंदी बहुत ही वैसी ओछी औरत है और जो लोग इसके लिए कहते हैं हमको हम कुछ नहीं देखे हम हम चैनल वाले कुछ नहीं पुष्टि करते हैं इसी की वीडियोस पे इसी के भाई के वीडियोस से उठा के हम लोग ये चीजें पे रिएक्शन देते हैं कि ये इस तरह की चीजें इसके यूट्यूब पे हो रही है और ये समाज के लिए खतरा है ये औरत एक विस्फोटक है ये समाज के लिए विस्फोटक है ये परिवार एक विस्फोटक है इनका बहिष्कार करना जरूरी है इनका जो समाज होता है या इनका पहलने वाले हैं या इनका कोई भी है वो वो लोग मिलकर इन लोग का बहिष्कार करें तो सही होगा जहां एप्लीकेशन देनी हो दीजिए जहां कोई एक्शन लेना हो लीजिए लेकिन ऐसे लोगों से अपने परिवार बच्चे दूर रखिए सिर्फ हम इतना ही कह सकते हैं परी की मम्मी भी अपने बच्चा ना भेजे कैसे परिवार के हैं ये लोग आप लोग समझ सकते हैं तो कोई भी ना मिले और ना वो करें आज किरण क्योंकि एक दूसरे के वो जानते हैं ना आप लोग समझ जाइए किरण से भी दोस्ती है इतनी पोल खोल दी लेकिन हिम्मत नहीं है कि किरण को कुछ बोल दे एक दूसरे से कोई हुआ होगा कि तुम मेरी खोलेगी तो मैं तेरी खोलूंगी ये सब कुछ हो हुआ होगा देखिए कोई ठीक नहीं है क्या हुआ हो क्या नहीं हुआ हो अंकुर की वीडियो का वेट करिएगा और कुछ विस्फोटक हो सकता है वीडियो लाइक कर दीजिएगा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कमेंट वीडियो इसलिए नहीं बना रहे हैं कि सुबह शाम कोई ना कोई ये लोग तमाशा कर रहे हैं इनसे फुर्सत मिले तब तो कमेंट वीडियो बनाए लाइक सब्सक्राइब एंड डू कॉमेंट